आज के हम वीडियो में पास्कल नियम के बारे में बात करेंगे कि पास्कल नियम क्या है। तो देखिए, मैंने इसमें एक डायग्राम चित्र बना दिया है, ठीक है। पास्कल जी ने क्या कहा था वो समझ लीजिए। पहले पास्कल जी ने कहा था कि कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। कि यदि हमारे पास में कोई तरल है, ठीक है, अगर उसमें कोई हमने बॉडी या पिंड कोई भी चीज़ डाल दी है, तो उस पर जो तरल होगा उस बॉडी पर या पिंड पर तीनों तरफ से, चारों तरफ से, दोनों तरफ से जो भी बॉडी का आकार होगा उस तरह से उसी तरह से दाब लगता है, ठीक है। जैसे कि एक डायग्राम दिया मैंने, डायग्राम में देखिए ए बी सी, ठीक है, और जिसके आपका प्रिज्म की परछाई दे रखी है ए डैश बी डैश सी डैश आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे जो प्रिज्म दे रखे हैं इसकी अलग अलग साइड दे रखी हैं, देखो बी बी डैश सी सी डैश, है ना। इस पर हमारे प्रतिबल जो दाब तीव्रता लगे हुए हैं पी वन पी टू पी थ्री, ठीक है, और ये हमारा पूरा एक डायग्राम बना रखा है। ये प्रिज्म है हमारे पास में, ठीक है, बी डैश बी बी डैश सी सी डैश ए ए डैश, ये हमारे पास एक पूरे प्रिज्म ले रखे हैं हमने, ठीक है। ये हमारे और जो हमारे प्रिज्म है जिनकी आपकी ये दे रखी है, तो इन पर सभी पे क्या हमने प्रतिबल लगा रखे हैं, दाब तीव्रता लगा रखी है, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, चलो, ठीक है। तो देखो इस पर क्या है कि पास्कल जी ने कहा था कि कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगता है। हम इसी का सत्यापन करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हमारा सभी दिशाओं में समान दाब लगता है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि ये डायग्राम है क्या, ठीक है। इस डायग्राम के बारे में बताते हैं कि ये डायग्राम क्या है, किस तरह से हम इसका सत्यापन करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, इस पर हमारा क्या है, ये जो बॉडी या पार्ट या डायग्राम जो भी लिया हमने, पत्थर टुकड़ा कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। अगर उस पर जो दाब लग रहा है तीनों तरफ से जो दाब लग रहा है, तो कह सकते हो आप बॉडी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है पूरी, ठीक है। जब तक बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगी तब तक हमारे पास तीनों तरफ से दाब नहीं लगेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब आप जानते ही हो, इसमें हॉरिजॉन्टल लगने वाली फोर्सेस भी जीरो होनी चाहिए, वर्टिकल लगने वाली फोर्सेस भी जीरो होनी चाहिए, तभी हमारा परिणाम जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो पाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगी कोई बॉडी, तो हमारे पास उसमें क्या है, हमारा जो परिणामी दाब या कुछ भी हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसलिए हम इस पर जो प्रतिबल तीव्रता और जो दाब तीव्रता जो लगी हुई है उसके कारण हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस पर देखो हमारे पास प्रतिबल तीव्रता तो लगी हुई है, लेकिन अब हम इस पर देखेंगे दाब बल, ठीक है। ये दाब लगा हुआ मान लीजिए पी वन पी टू पी थ्री, अब हम इस पर दाब बल देखेंगे। तो बल के लिए आप लोगों को पता होगी कि आपने पढ़ा होगा आपकी मॉस में कि प्रतिबल तीव्रता या प्रतिबल इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा प्रतिबल लग रहा पी वन, ठीक है, तो पी वन तो हमारा प्रतिबल हो गया। जब हम फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, प्रतिबल अपॉन फोर्स इक्वल टू प्रतिबल इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये तीनों हमारे प्रतिबल लगे हुए हैं पी वन पी टू पी थ्री। तो देखो नीचे से वर्टिकल लगा हुआ है, साइड से हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, लेकिन तीसरा वाला जो इंक्लाइंड पर लगा हुआ है इसको हम दो पार्टों में पहले तोड़ देंगे, ठीक है। तो हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमने देखो अब इसको तोड़ लेते हैं दो पार्टों में, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ऊपर वाला एंगल भी हमारा थीटा भी होगा, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब तो अब देखिए इसको क्या है, हमने दो पार्टों में तोड़ दिया, क्योंकि जहाँ थीटा बनता है वहाँ कॉस में आएगा, तो पी थ्री कॉस थीटा कर दिया, ये हमने पी थ्री साइन थीटा कर दिया, ये दोनों भागों में हमने इसको बांट दिया, ठीक है। अब दोनों भागों में बांट दिया, तो अब इस पर देखो बल लग रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम इसको क्षैतिज बल लेंगे या क्षैतिज घटक लेंगे, ठीक, या क्षैतिज अवयव कह सकते हो आप, क्षैतिज अवयव लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्षैतिज अवयव ले लेते हैं, तो पी टू लग रहा है क्षैतिज में देखिए, और इधर से क्या लग रहा है हमारा पी थ्री साइन थीटा, ठीक है। तो P2 ये प्रतिबल है हमारे पास या दाब तीव्रता कह सकते हो, जिसकी लंबाई हमें दे रखी है देखो, ठीक है, आपकी जो BC और इसकी मोटाई जो दे रखी है हमें T दे रखी है, ठीक है। तो अब क्या हम इसको पहले दाब बढ़ाएंगे, दाब बल बनाएंगे कहने का मतलब, ठीक है, क्योंकि दाब दे रखा है हमें तो दाब बल बनवाएंगे। तो प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है, कि प्रतिबल इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हम फोर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल। तो प्रतिबल तो दे रखा है आपको पी टू, अब क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, बी सी इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि बी सी लंबाई होगी हमारे पास, टी हमारी क्या होगी उसकी चौड़ाई या मोटाई कह सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये बल हो गया हमारा, या दाब बल इक्वल टू बराबर, अब देखिए बराबर में उसके जस्ट अपोजिट साइड में भी बल लग रहा हमारा, ठीक है, प्रतिबल लग रहा है जो पी थ्री था,
जो P3 को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ा था, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक, ठीक है। तो देखो अब इधर से साइड में लगा, अब सामने से देखो वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स लग रहा है P3 sin थीटा, तो क्या होगा, इक्वल होगा या माइनस में ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो हैं बीजगणित के योग, उनका जीरो होना चाहिए, तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, इसलिए हमने क्या किया कि प्लस माइनस की हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। तो P3 ठीक, उसकी लंबाई क्या हमारे पास में, ठीक है, P3 sin थीटा हो गया, ठीक। लंबाई क्या हमारे पास AC हो गई, ठीक है, AC देख लीजिए लंबाई आप AC, और मोटाई क्या हो गई हमारे पास T हो गई, तो AC इंटू T हो गया, ठीक है। प्रतिबल लग रहा था P3 sin थीटा और BC इंटू T हो गया। अब हम क्या है, ऊर्ध्वाधर अवयव लेंगे, ठीक है, कि ऊर्ध्वाधर अवयव क्या है हमारे पास में, तो ऊर्ध्वाधर अवयव लेंगे हम अपने पास में, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर अवयव नीचे से देखो क्या लग रहा है हमारे पास, P1 लग रहा है, तो P1, ठीक है, और उसकी लंबाई क्या हमारे पास में AB, तो AB लेंगे, ठीक। उसके बाद में मोटाई क्या हमारे पास T दे रखा है, इक्वल, क्योंकि सेम पहले जैसा, तो ऊपर से क्या लग रहा हमारे पास P3 cos थीटा, तो P3 cos थीटा हो गया हमारे पास में इंटू इसकी लंबाई क्या हो गई AC हो गई, ठीक है, AC इंटू T, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट और एक सेकंड दो इक्वेशन बन गई, मान लीजिए है ना, पहली वाली फर्स्ट इक्वेशन हो गई और नीचे वाली सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए हमारे इसमें थीटा एंगल बन रहा है, इसलिए हम cos थीटा और sin थीटा दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, और दोनों की वैल्यू निकाल करके इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC से, ठीक है, त्रिभुज ABC से लेंगे हम, जिससे कि त्रिभुज ABC से हम लेंगे तो sin थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो कि sin थीटा, चलो देखते निकाल के, लाल बट्टे कक्का देखा आपने, लाल बट्टे कक्का, तो लाल बट्टे कक्का में देखो पहला कॉलम होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो cos थीटा होता है, तो cos थीटा में क्या होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण, तो हम पहले निकाल लें sin थीटा, तो sin थीटा में क्या हो गया हमारा BC अपॉन AC हो जाएगा, क्योंकि लंब तो हो गया हमारे पास BC और कर्ण क्या हो गया हमारे पास AC हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम जब cos थीटा निकालेंगे, तो cos थीटा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या हो गया हमारे पास AB और कर्ण क्या हो गया हमारे पास AC, सेम टू सेम वही चीज़ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, फिर हम दूसरी इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे उनका कि क्या काट पीट करते हैं, क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। तो मैंने देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों में वैल्यू पुट कर ली sin थीटा और cos थीटा की। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या था, P2 इंटू BC इंटू T इक्वल टू P3 sin थीटा AC इंटू T। तो देखो मैंने P2 इंटू BC और T ज्यों कहता हूँ, P3 भी ज्यों कहता हूँ, sin थीटा की वैल्यू रख दी मैंने BC अपॉन AC। तो देखिए sin थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC है ना, तो मैंने P2 आपका जो है sin थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC रख दी इंटू AC और T ज्यों कहता हूँ, ठीक है। अब देखिए AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा, BC से BC कैंसिल आउट, T से हम T कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचा, P2 इक्वल टू P3 हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब बाई क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड में सेम टू सेम पहले वाला ज्यों का तो रख देंगे, देखो P1 AB इंटू T ज्यों का तो रख दिया। अब P3 cos थीटा cos थीटा में वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो P3 जोंका तो रहेगा और cos थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी AB अपॉन AC, ठीक है, और इंटू AC और T जोंका तो रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या कर, AC से AC कैंसिल आउट कर देंगे, T से T कैंसिल आउट कर देंगे, AB से AB कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या बचेगा P1 इक्वल टू P3, ठीक है। अब आप देखिए पहले वाली क्वेश्चन को, P2 इक्वल टू P3 था हमारे पास, और जहाँ P1 इक्वल टू P3 है, तो P3 दोनों साइडों में सेम है, क्योंकि वैल्यू P3 जो दाब तीव्रता थी वाली, या दाब था, P3 दोनों तरफ सेम है, तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, तो P1 इक्वल टू P3 इक्वल टू क्या हो जाए P2, ठीक है। यही हमारे पास्कल जी ने कहा था कि कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, तो इस तरह से हमारा पास्कल का नियम जो है प्रूव होता है कि P1 इक्वल टू P3 इक्वल टू P3 निकला है हमारा, क्योंकि तीनों दिशा में जो दाब लग रहा है वो समान लग रहा है, चाहे वो इंक्लाइंड में लगा हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में किसी प्रकार से भी लग रहा हो, ठीक है, तो वो सभी तरफ से तीनों तरफ से क्या लगा रहा, दाब हमारा सेम लगा रहा, वो आपके जो है तीन, इसमें हमारे तीन, मतलब मैंने तीन साइड ली थी, आप चार साइड हो तब भी वही निकल के आएगा P1 P2 P3 P4।